हॉस्टल वार्डन 2023 की तैयारी करना चाहते हैं? अगर तैयारी करना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि छात्रावास अधीक्षक के जल्द वैकेंसी बहुत जल्द आपको देखने को मिल सकता है और यह आपका 150 नंबर का रहने वाला है। तो देखिए, सबसे यहाँ पर कमेंट ना करें। सबसे पहले मैं आपको हॉस्टल वार्डन सिलेबस के बारे में बता देता हूँ, उसके बाद हम देखेंगे छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान से पूछे जाएंगे प्रश्न। तो सबसे पहले कंप्यूटर का आपका 50 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, जिसमें आपको 25 नंबर लाना अनिवार्य है, अन्यथा आपका OMR शीट चेक नहीं किया जाएगा। उसी प्रकार हिंदी व्याकरण का 10 नंबर रहेगा, अंग्रेजी व्याकरण का 10 नंबर रहेगा। उसी प्रकार आप देख सकते हैं, पूरा सिलेबस आपको बता देता हूँ, तो ध्यान से देखिएगा। इसके बाद मैं आपको छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान की क्लास कराने वाला हूँ, ठीक है? तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर अंग्रेजी व्याकरण में आपका 10 नंबर, गणित में आपका 20 नंबर, सामान्य ज्ञान में 20 नंबर, छत्तीसगढ़ जीके में 20 नंबर। छत्तीसगढ़ जीके का मतलब होता है छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान, जो आपको मैं अभी कराने वाला हूँ पार्ट वन में, ठीक है? उसके बाद करंट अफेयर का आपका 20 नंबर पूछा जाएगा, यानी कि टोटल आपका यहाँ पर 150 नंबर के प्रश्न रहेगा। हॉस्टल वार्डन में सबसे महत्वपूर्ण है कंप्यूटर, उसमें आपका 50 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा, जिसको आपको 25 नंबर लाना अनिवार्य है। अब चलिए, ज़्यादा वीडियो पर देरी न करते हुए यहाँ पर आपको छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान की क्लास देखने वाले हैं, जो आपके एग्ज़ाम में यहाँ पर आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ के जीके में 20 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो डेली अगर हम आपको 30-30 क्वेश्चन कराएंगे तो कितना हो जाएगा, महीने का 30-90 यानी कि 900 क्वेश्चन। अगर डेली आप 3 महीने तैयारी कर लेते हैं हमारे चैनल पर, तो आपका तैयारी हो जाएगा, सिलेक्शन लेने का चांस बन जाएगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर तैयारी करना चाहते हैं तो अभी से चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके रख लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन की घंटी को ऑल पर सेट कर लीजिएगा। जब भी मैं रिलेटेड वीडियो अपलोड करूँगा तो नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको मिल जाएगा। तो चलिए आज की क्लास देखते हैं छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान। आपके सामने यह रहा स्क्रीन के सामने कि रामायण दीपिका एवं विक्रम विलास एवं ब्राह्मण स्रोत जैसे प्रसिद्ध कृतियों के लेखक कौन थे। तो इसका आंसर सी होगा, रेवाराम बापूजी, जो छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के टोटल आज हम 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है? डायरेक्ट आपको मैं आंसर बताते जा रहा हूँ। वीडियो में आपको एक बार समझ नहीं आता तो दोबारा वीडियो को देख लेना या फिर डाउनलोड करके रख लेना, ठीक है? चलिए, तो सबसे पहले सेकंड का हम देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए, सेकंड का है, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने छत्तीसगढ़ के राजस्व व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए 3 वर्ष के लिए राज व्यवस्था लागू की थी, जो हमेशा याद रखना है ना, जो 3 वर्ष के लिए राज व्यवस्था लागू की गई थी। कितने वर्ष के लिए? 3 वर्ष के लिए। वो आपका इलियट है, चार्ल्स इलियट, ठीक है? ये आपका होगा चार्ल्स इलियट, आंसर कौन सा हो जाएगा, ए। तीसरा का देखेंगे, राज्य का प्रथम मराठा शासक, ये आपको पता होगा राज्य का प्रथम मराठा शासक कौन है, बिंबाजी भोसले। कौन है? बिंबाजी भोसले। आपके आंसर बी होगा, राजकुमार बिंबाजी, जो कि छत्तीसगढ़ में है ना प्रथम मराठा शासक था। आप कमेंट करके बताइएगा छत्तीसगढ़ का दूसरा, एक मिनट ना, छत्तीसगढ़ का अंतिम मराठा शासक कौन है, छत्तीसगढ़ का अंतिम मराठा शासक कौन है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान में, व्यापम PSC की तैयारी कर रहे हैं, तो इसका आंसर आप लोगों को बिल्कुल पता होगा कि छत्तीसगढ़ का अंतिम मराठा शासक कौन है। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, अंतिम मराठा शासक कौन है, कमेंट करके ज़रूर बताएं इसका आंसर क्या होगा। फटाफट कमेंट करना स्टार्ट करें, जिनको मालूम है वही कमेंट करें, अन्यथा ना करें। कैप्टन, देखिए जो कैप्टन हेंटर है, उसके बाद छत्तीसगढ़ का अधीक्षक कौन बनाया गया, कैप्टन सैंडिस को। जब हेंटर, देखिए दूसरा नंबर ना, कैप्टन हेंटर के बाद, जैसे कि ये आपका पहला था, तो उसके बाद छत्तीसगढ़ का अधीक्षक किसे बनाया गया है, तो कैप्टन सैंडिस को बनाया गया, पहला में हंटर, दूसरा में सैंडिस, ठीक है? अब इसका आंसर आप लोग बताइएगा कि देखिए इसका आंसर क्या होगा, वर्ष 1934 में छत्तीसगढ़ में हरिजन सेवक संघ किसकी अध्यक्षता में गठित हुआ है, तो इसका आंसर ए होगा, घनश्याम सिंह गुप्त। अब चलिए, आप लोग कमेंट करके फटाफट बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। तो वर्ष 1906 में स्थापित सामित्र मंडल, हमेशा याद रखना, कभी भी पूछा जाए सामित्र मंडल, तो इसका आंसर होगा सुंदरलाल शर्मा।
कौन होगा? सुंदर लाल शर्मा। याद रखिएगा, कभी भी एग्जाम में पूछा जाए, कभी भी आप देखिएगा सामित्र मंडल, डायरेक्ट आप क्या लगाएंगे? सुंदर लाल शर्मा। क्या लगाएंगे? सुंदर लाल शर्मा। और सुधारक बोला गया ना, तो वो तो आपको सुधारक का गणेश किया था, ये आपका आंसर ए होगा। चलिए, ये इसका असर आप बताइएगा फटाफट, इसका आंसर क्या होगा? मराठों ने अपने शासन काल में, किसने? मराठा ने अपने शासन काल में छत्तीसगढ़ के कितने सूबों में बांटा गया था? फटाफट कमेंट करना स्टार्ट कर दीजिएगा। 30 सेकंड का आपको समय दिया जा रहा है। जितने भी बच्चे एक बार वीडियो पर जुड़ चुके हैं, कमेंट करना स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है? और जिनको तैयारी करना है छात्रावास अधीक्षक सब इंस्पेक्टर भर्ती की, तो डेली क्लास कराया जा रहा है। अगर आपको तैयारी करना है तो वीडियो को अभी से सब्सक्राइब व वीडियो को लाइक करके रख लीजिएगा, ठीक है? इसका आंसर ए, आंसर बी, आंसर सी या आंसर डी क्या होगा, कमेंट करके बताइएगा फटाफट। मैं आपको पोलिंग बूथ दे रहा हूँ, आंसर ए, कमेंट ना करें ना बीच बीच में, आंसर बी, आंसर सी या आंसर डी। वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, ऐसा ना कमेंट करें ना टाइमिंग के बाद। हाँ, इसका आंसर क्या होगा? ये बिल्कुल गलत है, आंसर ए नहीं होगा, आंसर बी भी नहीं होगा, आंसर सी। एक मिनट ना, ये पूछा गया मराठों ने अपने शासन काल में पूछा गया है सूबों के बारे में, तो आपका 8 सूबा होगा आंसर सी, ठीक है? छत्तीसगढ़ का पहला अधीक्षक कौन था? इतना सरल क्वेश्चन नहीं पूछता, लेकिन फिर भी आप सभी के लिए मैं लाया हूँ। छत्तीसगढ़ का पहला अंग्रेज अधीक्षक कौन था? तो बिल्कुल सही है, कैप्टन एडमंड, बिल्कुल आंसर बी होगा। जितने भी बच्चे कमेंट किए हैं उनका आंसर सही है। चलिए, इसके बाद देखेंगे क्या होगा आंसर, कमेंट करके बताइए कि नागपुर के भोसले शासक के शासनधीन में छत्तीसगढ़ पर ब्रिटिश संरक्षण यानी कि नियंत्रण की स्थापना हुई है। बिल्कुल सही है, जितने लोगों ने आंसर दिया है बिल्कुल सही है, आंसर ए 1818 में। क्या आएगा? 1818 में नागपुर के भोसले शासक के शासन के लिए ब्रिटिश संरक्षण किया गया था। इसका आप लोग कमेंट करके बताइएगा, इसका आंसर गलत नहीं होना चाहिए, सभी का आंसर सही है, 100% सही आना चाहिए, है ना? किसी भी का आंसर गलत नहीं आना चाहिए, कमेंट कीजिएगा इसका आंसर क्या आएगा। आंसर आना स्टार्ट हो रहा है, जल्दी जल्दी कमेंट करना स्टार्ट करें। अब 100% सही होना चाहिए सभी का, तुक्का नहीं लगाना है। पंडित सुंदरलाल शर्मा का जो जन्म स्थल है कहाँ हुआ था? बिल्कुल सही आंसर है। देखिए, एक दो बच्चे का गलत आंसर आ रहा है, यहाँ पर गलत नहीं करना है, सभी को मालूम होना चाहिए। ये आपका राजिम, कहाँ है? राजिम। इसका बताइएगा क्या आएगा? जो सोना खान है, आप सभी को मालूम है सोना खान मतलब वीर नारायण सिंह, वीर नारायण सिंह है सर। सोना खान के जमींदार कौन है? वीर नारायण सिंह है। तो पूछा क्या गया है? जमींदारी स्थित थी कहाँ? बड़ौदा बाजार, बागबाहरा, बिलाईगढ़, बिंद्रनवागढ़ तहसील में। तो बिल्कुल सही है, जितने लोगों का आंसर डी आया है, बिंद्रनवागढ़ तहसील में, ये बिल्कुल गलत है बच्चों, आंसर ए होगा। हाँ, जो सोना खान जमींदार है आपका वीर नारायण सिंह, बलौदा बाजार जिले से बिलोंग करता है, बलौदा बाजार जिले में, ठीक है, आंसर ए होगा। जितने बच्चे डी दिए हैं बिल्कुल गलत है। ये बताइएगा इसका आंसर क्या है, कमेंट करके फटाफट बताइएगा। आप सभी के लिए क्वेश्चन छोड़ दिया हूँ मैं, आंसर नहीं बताया हूँ। यहाँ पर क्या आएगा खाली स्थान में, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि जेल पत्रिका का संचालन किसके द्वारा किया गया था? पंडित सुंदरलाल शर्मा, माधवराव सप्रे, रविशंकर शुक्ला या डॉक्टर हरि सिंह गौंव? तो आप सभी के लिए मैं 50% आंसर बता दे रहा हूँ, ठीक है? 50% यहाँ पर कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। ये दोनों गलत है, चलिए आप कमेंट करके बताइएगा। इसका आप लोग बताइएगा क्या होगा, जो रायपुर में चर्चित हुआ था ना राजनीतिक सम्मेलन, कब हुआ था?
बीस इक्कीस बाईस तेईस कब हुआ? बिल्कुल सही है, मई 1920 में। ये बताइएगा कि 1924 में पंडित रविशंकर, ये तो दिखी, ये तो कान्या कूब जाए, इसको बताने की जरूरत नहीं है। इसका कमेंट करके बताइएगा कि कब भोसले राजकुमार बिंबाजी ने छत्तीसगढ़ में प्रथम मराठा शासक के रूप में प्रत्यक्ष स्थापित किया गया था, प्रत्यक्ष रूप से, 57, 59, 60 या 61? बिल्कुल सही आंसर दिया है 1757 में, जो कि आपका प्रथम बिंबाजी भोसले ने वहां पर प्रत्यक्ष रूप से स्थापित किया गया था। 1855 ईस्वी में छत्तीसगढ़ के नियुक्त कमिश्नर कौन थे? 1855 में, बिल्कुल सही है, जो आपका 1855 है, चार्ल्स इलियट। कौन है? इलियट। कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी को ब्रिटिश शासन ने किस वर्ष गिरफ्तार किया था? आप सभी को मालूम है किस वर्ष गिरफ्तार किया था, तो आपका हो जाएगा 1921 में, है ना? कब? 1921 में। रायपुर जिला राजनीतिक परिषद का प्रसिद्ध सम्मेलन 126 कब हुआ था? इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा फटाफट। फिर से आपको क्वेश्चन दिया हूँ मैं, रायपुर जिला के राजनीतिक परिषद का प्रसिद्ध यानी कि जो सम्मेलन हुआ था 126 का, 20, 21, 22, 23, आंसर आप कमेंट करके बताइएगा फटाफट। गोपाल कृष्ण गोखले का रायपुर में जब आगमन हुआ था कब हुआ था? ये आंसर बिल्कुल सही है, 1930 में ही हुआ था। एलपी खरे, इसको छोड़ दीजिएगा ना। छत्तीसगढ़ राज्य की मांग को सर्वप्रथम विधानसभा में कब उठाया गया था? देखिए बहुत सारा ये अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो छत्तीसगढ़ में राज्यसभा को मांग को लेकर हुआ था जो सर्वप्रथम विधानसभा में, उसका आएगा 1955। कितने लोगों का आंसर आया है 1955? बिल्कुल सही है। छत्तीसगढ़ के रियासतों का भारत संघ के मध्य प्रांत में विलय कब हुआ था? इसका आंसर बिल्कुल सही है 1948 में, लेकिन पूरा कमेंट करके बताइएगा ना, 1 जनवरी 1948। छत्तीसगढ़ के प्रथम सूबेदार किस, एक मिनट ना, जो यहाँ पर दिया गया है इसका आंसर 1 जनवरी लिया गया था, और छत्तीसगढ़ के प्रथम सूबेदार कौन है फटाफट कमेंट करके बताइएगा। छत्तीसगढ़ के प्रथम सूबेदार महीपत राव दिनकर जी। कौन है? महीपत राव दिनकर जी, आंसर है। कितने लोगों को पता है जल्दी से कमेंट करके बताएं, छत्तीसगढ़ के प्रथम सूबेदार। अब मैं आपको पूछ रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ के अंतिम सूबेदार कौन है, कमेंट करके बताइएगा। तो अंतिम सूबेदार कौन है? जितने लोगों को मालूम है फटाफट कमेंट करें यहाँ पर, जिनको मालूम है फटाफट कमेंट करें छत्तीसगढ़ के अंतिम सूबेदार कौन है, कमेंट करना स्टार्ट करें यहाँ पर। कितने लोगों का आंसर आ रहा है? बिल्कुल सही है, कमेंट करना स्टार्ट करते रहिएगा। देखिए जो त्याग मूर्ति के बारे में बताया गया आपका ठाकुर प्यारे लाल सिंह, राज्य की प्रथम महिला शासिका कौन है? इसका आंसर तो इतना चुटकियों में आना चाहिए, राज्य की यानी कि छत्तीसगढ़ की जो पहली यानी कि प्रथम महिला शासिका। बिल्कुल आंसर ए है, प्रफुल्ल कुमारी देवी, बिल्कुल आंसर ए होगा, 99% आंसर दिया है बच्चों ने। सेंट ऑफ जेरूसलम की उपाधि कौन से जाना जाता है? सेंट ऑफ जेरूसलम की उपाधि रुद्र प्रताप देव सिंह, आंसर ए होगा। होम रूलिंग योजना रायपुर में प्रतिनिधित्व किया गया था, क्या आएगा? राय बहादुर, ठीक है। कौन है? राय बहादुर ठक्कर। वर्ष 1924 में, ये देखिए इसको बार बार पूछा गया, इसको छोड़ दीजिएगा, क्या आएगा? मध्य प्रांत एवं बरार के कांग्रेसी मंत्रिमंडल के किस शिक्षा मंत्री ने शिक्षा मंत्री योजना प्रस्तुत की? घनश्याम, पंडित, खूबचंद या इसमें से कोई नहीं? हाँ, इसका आंसर आप लोग बताइएगा फटाफट, क्या आएगा? मध्य प्रांत एवं बरार के गवर्नर के पद पर नियुक्त होने वाले छत्तीसगढ़ के प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो देखिए मध्य प्रांत एवं बरार के गवर्नर के पद पर नियुक्त होने वाले छत्तीसगढ़ के प्रथम व्यक्ति कौन है, जल्दी से कमेंट करने स्टार्ट करें।
आप सभी के लिए लास्ट क्वेश्चन था ए बी सी या डी, कमेंट करके जरूर बताएं आंसर क्या होगा। कल हम देखेंगे भारत का संविधान, भारत का संविधान। उसके बाद नेक्स्ट दिन हम देखेंगे कंप्यूटर का टोटल 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है, छात्रावास अधीक्षक के लिए कंप्यूटर का टोटल 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। हाँ, एक बार जितने बच्चे जुड़ चुके हैं वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक करके रख लीजिएगा। ओके, थैंक यू।